स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अवर ईवीएस क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5, और वो क्या है? अबाउट माय स्कूल, अबाउट योर स्कूल। ये आपको पढ़ना है, तो क्या आएगा इसमें? माय स्कूल मतलब आपकी स्कूल। ओके, स्कूल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन से रूम्स होते हैं, सब कुछ हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज लर्निंग सीरीज। इन दैट कम टू पेज नंबर 54, अवर चैप्टर नंबर 5, माई स्कूल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट टूडेज डेट ओवर हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर चैप्टर। आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल, यहाँ पर आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आप भी स्कूल आते हो, ठीक है? वी गो टू स्कूल टू लर्न मैनी थिंग्स। आप स्कूल किसके लिए जाते हो? खेलने के लिए, खाना खाने के लिए, किसके लिए? टू लर्न मैनी थिंग्स। फिर वो लर्निंग में क्या इंक्लूड होता है? आपकी स्टडीज, डिसिप्लिन, मैनर्स, बिहेवियर, ओके, सारी चीजें आप लर्न करते हो, सिर्फ पढ़ाई नहीं। आप गेम्स भी सीखते हो, कंप्यूटर भी सीखते हो, ड्राइंग सीखते हो, ओके, टू लर्न मैनी थिंग्स। वी लर्न टू रीड एंड राइट इन द स्कूल। स्कूल में हम क्या सीखते हैं? वी लर्न टू रीड एंड राइट, मतलब पढ़ना और लिखना। अवर स्कूल हैज अ बिग बिल्डिंग। हमारी स्कूल में क्या है? बड़ी एक बिल्डिंग है। ओके, इट हैज मैनी क्लासरूम्स। वहां बहुत सारे क्लासरूम्स हैं। ओके, वी प्ले डिफरेंट गेम्स इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हम बहुत सी गेम्स खेलते हैं। ओके, वी सिट एंड स्टडी इन द क्लासरूम। खेलते कहाँ हैं? ग्राउंड में। और पढ़ाई कहाँ करते हैं? क्लासरूम में। वी अटेंड द असेंबली एंड स्कूल फंक्शंस इन द स्कूल हॉल। हम क्या करते हैं? असेंबली और फंक्शंस के लिए कहाँ होते हैं? इकट्ठा स्कूल हॉल में। वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी। बुक्स कहाँ पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में। ओके, वी लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट इन द आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। ड्रॉइंग और पेंटिंग कहाँ करते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में। ओके, पढ़ाई हम करते हैं क्लासरूम में, खेलते हम हैं प्लेग्राउंड में, और असेंबली और फंक्शंस हम अटेंड करते हैं स्कूल हॉल में, ठीक है? अब बुक्स रीड करते हैं हम लाइब्रेरी में, और ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर कहाँ सीखते हैं? कंप्यूटर रूम में। ओके, वी बाय ईटेबल्स फ्रॉम द कैंटीन। नाश्ता खाना हो, नाश्ता कुछ लेना हो, खरीदना हो, तो कहाँ से लेते हैं? कैंटीन में से। ओके, वी लर्न टू सिंग एंड डांस इन द म्यूजिक एंड डांस रूम। सिंगिंग और डांसिंग कहाँ करते हैं? म्यूजिक एंड डांस रूम में। ओके, अवर स्कूल गार्डन हैज मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स। हमारे स्कूल के गार्डन में क्या है? ब्यूटिफुल फ्लावर्स हैं। ओके, अवर प्रिंसिपल सिट्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल मैम कहाँ बैठते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफिस में। ओके, अवर टीचर्स यूज द स्टाफ रूम इन देयर फ्री पीरियड्स। टीचर्स कहाँ बैठते हैं? टीचर्स स्टाफ रूम में बैठते हैं। ओके, व्हेन वी फॉल सिक वी गो टू द मेडिकल रूम।
जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं और अचानक हमें वीकनेस लगती है, हमें फील अच्छा नहीं होता, बीमार होता है हम, तो हम कहाँ जाते हैं? मेडिकल रूम में. ओके, देर आर मैनी पीपल इन अवर स्कूल हु हेल्प अस इन मैनी वेज. वहाँ टीचर्स और प्रिंसिपल मैम के अलावा और भी लोग होते हैं जो हमें बहुत सी जगह पर हेल्प करते हैं. वी मस्ट थैंक देम फॉर हेल्पिंग अस. हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए हमारी हेल्प करने के लिए. ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया? हमने क्या पढ़ा? हम स्कूल में बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं. ओके, बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं क्लासरूम में और स्कूल में. क्या करते हैं? रीड एंड राइट, मतलब पढ़ना और लिखना हम स्कूल में सीखते हैं. हमारी स्कूल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ पर बहुत से क्लासरूम्स हैं. गेम्स हम कहाँ खेलते हैं? प्लेग्राउंड में. और पढ़ाई कहाँ करते हैं? क्लासरूम में. ओके, असेंबली और स्कूल फंक्शंस हम कहाँ अटेंड करते हैं? स्कूल हॉल में. और बुक्स रीड करनी है तो कहाँ रीड करते हैं? लाइब्रेरी में. ओके, ड्राइंग एंड पेंटिंग करनी हो तो हम कहाँ करेंगे? आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में. ठीक है, फिर कंप्यूटर सीखना है तो कंप्यूटर रूम में. ई टेबल्स मतलब नाश्ता खरीदना है तो कहाँ जाएंगे? कैंटीन में. सिंगिंग एंड डांसिंग सीखना है तो म्यूजिक एंड डांस रूम. हमारे स्कूल के गार्डन में क्या है? ब्यूटिफुल फ्लावर्स है. प्रिंसिपल मैम कहाँ बैठते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफिस में. टीचर्स कहाँ बैठते हैं? स्टाफ रूम में. अगर हमें ठीक ना लगे, हमें बीमार हो, तो हम कहाँ जाएंगे? मेडिकल रूम में. ओके, और टीचर्स और प्रिंसिपल मैम के अलावा स्कूल में और भी लोग होते हैं जो हमें अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया? Read it again on your own. If you have any doubts, we will be solving. Now, turn your page. Come to page number 56. Spelling and vocabulary. Okay? ये पहला पिक्चर है, उसमें आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं. तो हमने देखा था कि हम गेम्स कहाँ खेलते हैं? प्लेग्राउंड में. तो मतलब कि ये किस जगह का पिक्चर है? प्लेग्राउंड का. किसका है? प्लेग्राउंड. ओके, नेक्स्ट, यहाँ क्या चल रहा है? क्लास चल रहा है, मतलब कि पढ़ाई चल रही है. तो हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा कि पढ़ाई कहाँ होती है? क्लासरूम में. मतलब कि ये क्या है? क्लासरूम है. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर असेंबली चल रही है. ओके, तो असेंबली और स्कूल फंक्शंस कहाँ होते हैं? स्कूल हॉल में. कहाँ होते हैं? स्कूल हॉल में. ओके, नेक्स्ट, यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं और यहाँ पर रीडिंग किया जाता है. तो रीडिंग कहाँ किया जाता है बच्चों? लाइब्रेरी में. कहाँ? लाइब्रेरी में. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, क्राफ्ट कर रहे हैं. तो ड्राइंग और क्राफ्ट कहाँ होता है? आर्ट एंड क्राफ्ट रूम. ओके, ड्राइंग और क्राफ्ट कहाँ होता है? आर्ट एंड क्राफ्ट रूम. ओके, यहाँ पर कंप्यूटर्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो बच्चे कंप्यूटर्स कहाँ सीखते हैं? कंप्यूटर रूम में. कहाँ? कंप्यूटर रूम में. ओके, और यहाँ पर नाश्ता है, यहाँ पर स्नैक्स है. तो वो कहाँ मिलता है हमें स्कूल में? कैंटीन में. कहाँ? कैंटीन में. और यहाँ पर ये बच्ची डांस कर रही है. तो म्यूजिक और डांस कहाँ होता है? म्यूजिक एंड डांस रूम. ओके, आपको समझ में आ गया कौन से क्लासरूम में क्या एक्टिविटी होती है? Now, come to the next page. Spelling and vocabularies again.
उसमें है माय स्कूल. क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग स्कूल स्टाफ यूज द हेल्प बॉक्स. यहाँ पर आपको नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है. अगर आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो तो आप उस बॉक्स का यूज कर सकते हो. ओके पहला क्या दिख रहा है आपको, कौन है ये ऑफिस में बैठा है, कौन है ऑफिस में, कौन बैठते हैं, प्रिंसिपल. कौन बैठते हैं, प्रिंसिपल. तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, इसने कैप पहनी है, उसमें प्लस का साइन भी लगा हुआ है, तो ये कौन है, नर्स. कौन है, नर्स. ओके नेक्स्ट वन, यहां पर आपको गार्डन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुए, गार्डनर, जो गार्डन का ध्यान रखते हैं. ओके नेक्स्ट वन, ये पढ़ाते हैं, तो ये कौन है, टीचर. पढ़ाता कौन है, टीचर. ओके नेक्स्ट ये कौन है, बस दिखाई दे रही है आपको, उसके अंदर एक आदमी है जो बस चला रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, बस ड्राइवर. ओके नेक्स्ट, जैसे आपको यहाँ पर बुक्स दिखाई दे रही थी वैसे ही यहाँ पर है, तो मतलब कि ये क्या हुआ, ये लाइब्रेरी है, और ये कौन है, लाइब्रेरियन. ओके नेक्स्ट, ये गेट है, मेन गेट स्कूल का, तो यहाँ पर कौन रहता है, यहाँ पर गार्ड रहते हैं. ओके नेक्स्ट, ये क्या है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पर काम कौन करने वाले को क्या कहते हैं, क्लर्क. ओके नेक्स्ट, ये पोछा लगा रही है, तो स्कूल में पोछा लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वीपर. क्या कहते हैं, स्वीपर. ओके अब ये कौन है, ये प्यून है. ओके एंड लास्ट वन, हेल्पर. ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको माई सेल्फ जो हमने चैप्टर पढ़ा वो समझ में आ गया है. प्लीज गो थ्रू इट, read it carefully and understand it. If you have any doubts, we can solve it in our later classes. और हमने spelling और vocabularies भी की हैं. Okay? You have to learn the spellings. Okay, students? So, students, I hope that all have understood our today's chapter, My School. हमने उसमें क्या किया? हमने क्या सीखा उसमें? कि हम school क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए. Okay? अगर हमें गेम्स खेलनी है तो हम कहाँ खेलेंगे, प्लेग्राउंड में. अगर लिखना है, पढ़ाई करनी है तो कहाँ करेंगे, क्लासरूम में. ओके अगर खाना खाना है या खाना लेने जाना है तो हमें कहाँ मिलेगा, कैंटीन में. बुक्स रीड करनी है तो लाइब्रेरी में. कंप्यूटर सीखना है तो कंप्यूटर रूम में. और सिंगिंग और डांसिंग सीखना है तो म्यूजिक एंड डांस रूम. अगर आपको ड्राइंग मतलब कि आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना है तो आर्ट एंड क्राफ्ट रूम. इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ यू आर फीलिंग सिक, तो हम कहाँ जाएंगे, मेडिकल रूम में. ओके और प्रिंसिपल मैम कहाँ बैठते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफिस. टीचर्स, टीचर्स स्टाफ रूम में. ओके ये सब हमने आज पढ़ा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है. गो थ्रू द चैप्टर अगेन. And if you are having any doubts, we will be solving in our next class. Okay? Till then,